তোমরা এদিকে দাও আমরা এদিকে দিচ্ছি এরকম তো Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. And I wanna feel something, but all I feel is pain, I wanna... Jai Hind, dosto, to kya hal hai? आज का ब्लॉग फिर से शुरू करते जहाँ से कल खत्म हुआ था वहीं से शुरू है। तो कहानी कुछ ऐसी है जहाँ से हम लोग थोड़ा सा लवर्स पॉइंट देख के आए और वहाँ से सांप देख के भाग के आ गए। अब सांप देख के तो भाग के आ गए मगर अब दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ जाना है, वो जाएंगे हम लोग एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ से मतलब जो व्यू है वो रियल वाला व्यू लगेगा कि हाँ ये शायद दार्जिलिंग आ गए या फिर ऊटी आ गए, ऐसे टाइप का एक व्यू है। तो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, हमारे 1000+ सब्सक्राइबर हो चुका है और उससे भी आगे हम लोग फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर इस फैमिली में पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग सा व्लॉग और ऑफबीट जगह मैं लाता ही रहता हूँ। और इससे भी ज़्यादा बढ़िया बात है कि एक टाइम पे मैं ऐसे ऐसे जगह जाऊँगा थोड़े दिन बाद जो कि आपको दिखाऊँगा और आप बोलोगे ऐसे जगह पे मतलब आपने बहुत दिन पहले देखा होगा मगर अभी का जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर भी बताऊंगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डेंजर जोन में जाना चाहता हूँ तो वो तो बाद में बताऊंगा कि कहाँ जाऊंगा क्या नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ तक व्लॉग मतलब ये जो व्लॉग अभी देख रहे हो यहाँ पे क्लिक किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो, उसके बाद आगे का बताता हूँ। बाय द वे आप लोग देख ही सकते हो बारिश बहुत ही तेज़ हो रहा है और हर जगह पे वाटर लॉक का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मगर वो तो हम लोग देख लेंगे कि कितना है नहीं है। बाकी बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप इधर उधर भी देख सकते हो कि सब लोग छाता लेके खड़े हैं और सामने की गाड़ी भी कभी कभी विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है, कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी ना रास्ते के ऊपर से पानी जा रहा है जो कि ना आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखो ये सामने देख सकते हो बिल्कुल रास्ता है और रास्ते के ऊपर से पानी जा रहा है, कभी भी रास्ता टूट सकता है या फिर एकदम से लैंडस्लाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग फिर भी रिस्क लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला रिस्क मैं थोड़ा सा लेना ही चाहता हूँ। अगर ऐसे वाले रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसे बनेगा। देखो पूरा राइट साइड का जो पानी है पूरा लेफ्ट साइड बह के जा रहा है, इतना पानी भर चुका था ना वहाँ पर राइट साइड में, तो सबको लेफ्ट साइड जाना ही था, नहीं तो पूरा एक साइड का पूरा भीग जाएगा, नहीं तो भीगेगा नहीं। और जितने भी गाँव है गाँव भी पूरा देख रहा था कि हर जगह पे पानी से भर चुका है, जितने भी छोटे छोटे वो पॉट होल तेरा वो तो सब कुछ भर चुका है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ एक ऐसे रिजॉर्ट पे जा रहा हूँ या फिर ऐसे जगह पे जा रहा हूँ उसके बारे में। सो हमारे ड्राइवर दादा ने जो बताया कि वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे अभी जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे जो व्यू आता है वो एक नंबर आता है और वहाँ का चाय एक नंबर होता है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और चाय के लिए तो तलब हो ही रखी है सुबह से। सो दिस इज़ आवर थर्ड लोकेशन और ये लोकेशन है डियर पार्क के नाम से बोल रहे कि पार्क है, ये नॉर्मल पार्क है, मंडवेश्वरू वैली नेचर कैंप, ये नेचर कैंप है। तो इतना तो हमें पता नहीं था मगर अभी देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है यहाँ पे मंडवेश्वरू वैली नेचर पार्क। सो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने और आपको भी दिखाते हैं क्या है अंदर नहीं। और ये वाला ना बहुत ऊपर है जिससे बारिश, देखो बारिश का पानी पूरा नीचे आ रहा है। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में। What a beautiful view, सामने पहाड़ है और पूरा धुंधला हो रखा है और नीचे बिल्कुल खाई है। अगर इससे आगे जाऊंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, नीचे बिल्कुल खाई है और सामने पहाड़ है। ये तो आंखों से देखना पड़ेगा, ये ऐसे व्यू मतलब कैमरे में जस्टिस नहीं कर पाऊंगे। हाँ कितना मस्त लग रहा है। सो आप लोग देख ही सकते हो क्या ब्यूटीफुल व्यू है, सो मच ब्यूटीफुल, सो मच। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ पे आए, मोंडासुरु इस जगह का नाम है। सो यहाँ पे बारिश तो बहुत तेज हो रही थी मगर यहाँ का जो व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश में ही निखरता है। तो सब ने बोला कि आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, बारिश में ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा रिग्रेट करते हैं या बारिश में आए कुछ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो आपके सामने फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है भाई, मुझे तो यहाँ पर रख लो, यहीं पर रख लो, मैं पूरे दिन रात ऐसे व्यू देखने के लिए मतलब तैयार हूँ। और इसके साथ अगर चाय हो जाता तो और भी मस्त हो जाता। तो चाय के लिए तो उधर जाना पड़ेगा मगर हम लोग वहाँ पे भी जाके देखेंगे, चाय तो ज़रूर पियेंगे और आपको ये व्यू ये जो नज़ारा है इसको दर्शन करवा देते हैं।
मंदासुरु का सबसे ब्यूटीफुल व्यू है। सो मंदासुरु पे यहाँ पे लिखा भी हो रहा है मंदासुरु द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ उड़ीसा, और उसके बाद कुछ तो लिखा हुआ है रायता का फॉरेस्ट जो भी है। मगर ये व्यू आप देखोगे तो आप सच में बोलोगे कि मस्त, पैसा एकदम सही जगह पे लगाया है। और ये जिसका जो व्यू का पॉइंट है ये देखने के लिए आप ज़रूर आना। अगर आपको मैं बता दूं ये उड़ीसा से कुछ दूर मंदासुरु जगह, इस जगह का नाम है, और यहाँ पे कॉटेज भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मगर ये जो व्यू है ये चेकआउट करो, यही चेकआउट करवाने के लिए तो आया हूँ। और थोड़ा सा हाइपरलैप्स ऑन कर रखा था कि बादल चले जाए जल्दी जल्दी, मगर देख सकते हो कि बादल जा भी रहे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये है वो मंदासुरु, तो इसका एक छोटा सा रील्स बनाया मैंने जो कि ना नीचे इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाकर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना सारा इंस्टाग्राम का रील्स है। तो अगर जो लोग फॉलो नहीं करते प्लीज़ फॉलो कर लो, ये रहा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक जो कि नीचे आ ही रहा होगा, सो फॉलो कर लो। और आगे चलते हैं, और आगे चल के कॉटेज के अंदर क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो सब ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं, और इसका जो लुक है कुछ ऐसे लुक में जो कि एकदम रेट्रो लुक में, मगर इसका जो फीचर होगा वो बहुत ही सही है। और यहाँ पे उई बोलते हैं बंगाली में इसको, इंग्लिश में आई डोंट नो क्या बोलते हैं। सो यहाँ का जो उई का जो डीबी है वो बहुत सारे है, और इसमें देखो बहुत सारे नक्शा भी कर रखा है। ये यहाँ का लोकल ट्राइब का नक्शा है कि इसमें क्या क्या होता था क्या नहीं होता था। और चाय हमने ऑर्डर किया था जो कि पहले ही बताया कि चाय यहाँ का सबसे मस्त है, तो चाय के साथ ये व्यू आप जस्टिस नहीं कर सकते बैठे बैठे घर बैठे बैठे। आपको इसका अगर आनंद उठाना है तो प्लीज़ आज आप ही आ जाओ मंदासुरु और आके यहाँ का व्यू उपलब्ध करो, या फिर आप ऊटी जा रहे हो या फिर कश्मीर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, चाय के साथ ऐसा मौसम कौन नहीं मांगता, किसको नहीं मांगता। तो अभी आ चुके हैं हम लोग थोड़ा सा अंदर कॉटेज के, और कॉटेज के अंदर खाना देने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग करा था कैमरा का कि ब्लैक एंड व्हाइट में कैमरा जो इसमें ऑटो फोकस वाला सिस्टम है ब्लैक एंड व्हाइट में वो कैसे आता है, और इसमें जो कलर ग्रेडिंग है वो भी थोड़ा सा चेक कर रहा था। तो वो सब तो चेक ठीक है, मगर आपको आगे दिखाता हूँ एक छोटा सा कैटरपिलर के बारे में। देखो ये है ना, ये देखो ये पूरा भीग चुकी है, और भीगने के बाद कुछ इसका ऐसे हालत हो रखा है। मगर इसका अगर ये स्टिंग जो ऊपर लगा हुआ है ये किसी पे टच होता है तो उसको इतना ज़्यादा एलर्जेटिक रिएक्शन देगा, तो आपको मैं बता नहीं पाऊँगा, मतलब जिसको फील होगा वही बता पाएगा। अगर कभी आपने अगर फील किया है तो ज़रूर बताना कमेंट में। और इसको बंगाली में शोपोका बोलते हैं, इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं, और हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं। तो आगे आपको दिखाता हूँ हम लोगों का जो यहाँ का खाना है ना, तो ये खाना सबसे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो इतना महंगा मतलब है नहीं, महंगा है नहीं है, मगर यहाँ पे सुना है कि मटन बहुत अच्छा मिलता है, चिकन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो देसी चिकन ऑर्डर किया है। अब देखते हैं देसी चिकन कब तक आता है, क्योंकि यहाँ का देसी चिकन सबसे सुना है कि सबसे बढ़िया होता है। और ये देखो प्लेट हमारी कुछ दिखने में ऐसा है, बिल्कुल साल पत्ता जो है उसी पत्ते पर बना हुआ है, इसमें कोई भी ऐसे कोई भी आर्टिफिशियल कोई प्लेट नहीं है, बिल्कुल नेचर से लेके नेचर का खाना बना हुआ है। और थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद आपको रिव्यू बताता हूँ। बाय द वे हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था वो देसी चिकन ऑर्डर किया था, और उसके साथ देख सकते हो कुछ देखने में ऐसे थाली है, उसके साथ एक कटोरी भी है, और खाना खाने के बाद आपको रिव्यू दे। खाना कैसा था? खाना तो बढ़िया था, लेकिन जो चिकन दिया था वो देसी चिकन नहीं था, नॉर्मल चिकन के जैसा ही लगा। नॉर्मल चिकन ही था, बोला हम लोगों ने बोला देसी चिकन चाहिए, मगर वो उसका जो टेस्ट था वो बॉयलर ही था। खाने में टेस्ट था, खाने में बहुत टेस्ट था। ऐसा चिकन घर में नहीं बनता। और वो जो पत्ते पे दिया था जाने, और अभी चलते भैया के शादी में। अच्छा भैया कब कर रहे हो शादी? वो सामने बैठे हुए ना, राकेश भैया। सो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा फोर्थ डेस्टिनेशन, और ये है नेचर पार्क दारिंगबाड़ी। सो अभी देखो 3:53 अभी हुआ है, और अभी फोर्थ डेस्टिनेशन आ चुके हैं जो कि ना नेचर पार्क है।
और इसका जो हमें फेयर लगा ये है 15 रुपीज़। सो एक एक नेचर पार्क का एक जगह का मैं फेयर बताते रहूँगा, आप नोट करते रहना आज कितना खर्चा होता है। आखिर में ये भी बताऊँगा, सारे लोग आ चुके हैं और देखो पूरे दिन आज छात्री लेकर चल रहे हैं, तो छाता के बिना आज तो काम बनने ही नहीं वाला, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उफ भाई ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बहुत बड़ा ब्रिज है। सो हम लोगों को फाइनली मिल चुका है हाथी, और शकल दिखे होने का हाथी दिखी नहीं। इंडिया में कितने से नेटिव चीज है, प्रिमिटिव चीज है, देख सकते हो यहाँ पे इनको स्टैचू बना हुआ है जो कि एकदम ओरिजिनल लग रहा है। सो यहाँ पे सब फोटो ले रहे थे, और ये देखते हो मैं जो एकदम ओरिजिनल लगा जो कि यहाँ का ट्राइब रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ का गवर्नमेंट है ये सब चीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखा है, क्योंकि यही सब चीज़ जो कि ना आगे जाके हम लोगों में कैसे थे कैसे नहीं थे ये सारी चीज़ डिफाइन करता है, तो इनका भी साथ ज़रूरी है, और जंगल में सबसे बढ़िया साथ इन्हीं का होता है। तो ये देख सकते हैं ऋषि मुनि है, और ये जो ऋषि मुनि है यहाँ पे कुछ तो तपस्या कर रहे हैं, और उनके हाथ में कुछ एक बुक्स है जो कि ना इसमें लिखा हुआ था आयुर्वेदा, तो इंग्लिश में बस इतना ही समझ में, बाकी तो सब कुछ उड़िया में लिखा हुआ था। सो यही इनका एक मोटो था कि नेचर से ही आयुर्वेदा होता है, और नेचर को कभी भी हार्म मत करो, ये इनका मोटो था। अगर आपको यहाँ पे 360 व्यू दिखाऊं तो ये देख सकते हो, तो कमेंट में बताना ये एपी डिल्लन लग रहा है नहीं लग रहा है। एपी डिल्लन फर्स्ट कॉपी ऑफ एपी डिल्लन। हाल ही में कौन सा ओके नेचर पार्क घूम ही रहे थे, तो यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड भी दिखाई दिया जो कि ये आपके सामने है, तो बच्चे के लिए तो यहाँ पे बहुत सही जगह है, यहाँ पे घूमने फिरने आओ अपने फैमिली के साथ आओ। बटर ये देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ ये हुआ है बटरफ्लाई पार्क, इसमें बटरफ्लाई का शेप का भी है, और इसमें पता है रेनबो आता है एक टाइम पे रेगुलर जब बारिश नहीं होता है, वो हम लोग मिस कर गए, और रेनबो पॉइंट है ये 4:30 PM पे यहाँ पे रोज़ रेनबो दिखता है, रोज़ मतलब एक दिन नहीं दो दिन नहीं रोज़ दिखता है अगर आसमान खुला होता है तब। आज तो हो रही थी बारिश, तो हम लोगों का ये थोड़ा सा नसीब में नहीं था, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो ज़रूर जाएंगे और देख के आएंगे। और सामने देख सकते हो यहाँ पे झूला वूला सब कुछ लगा हुआ है, और अभी लगा हम लोग को सुसु, और सामने मिल गए थोड़ा सा वॉशरूम। सो दिस इज़ आवर फिफ्थ लोकेशन, और फिफ्थ लोकेशन में अभी टाइम जो हो रहा है 4:14, और इस पर लिखा हुआ है हिल व्यू पार्क दारिंगबाड़ी। सो ये रहा दारिंगबाड़ी का, और ये लोग हैं मुझे कुछ और लगा था, और ये हिरन लाइक क्या बोलते जिराफ है जिराफ, और इसमें बैठने की जगह भी है, छोटा सा कॉटेज है, और उसके साइड से रास्ता है, चलो रास्ता लेके देके चलते। ये देखो चिंपांजी है यहाँ पे, इनके हाथ में फूल का टब है, अगर ये हिल जाता है मेरी तो फट जाएगी, और यहाँ पे है शेर, मगर ये शेर भी अगर हिल गया तो मेरी तो फट के हाथ में आ जाएगी। सो देखो यहाँ पे आना आपको वर्थ इट लगता है नहीं लगता है, हम लोग आए हैं बहुत पागल है इसलिए इस टाइम पे आए, नहीं तो इस टाइम पे आना नहीं चाहिए, मानसून के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाकी आपको लेके जा रहा हूँ हिल व्यू पॉइंट, जहाँ से सनसेट पॉइंट होता है एक्चुअली, वहाँ पे इस टाइम पे बहुत लोग भीड़ करते हैं, आज है बारिश तो पता नहीं लोग होंगे या नहीं होंगे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to run. सो एंट्री हम लोग ले चुके थे, और एंट्री लेने के बाद जो यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा पार्क है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का बना रखा, और ये जो इतने भी घास देख रहे हो ये सारे आर्टिफिशियल घास है जो कि ना अभी अभी हमारे सामने निकाल रहे थे, और इसको लगा भी रहे थे नए नए जगह पे, और ये जो सामने देख रहा है इसके हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके वहाँ से व्यू देखेंगे, क्योंकि सुना है कि ऊपर से सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कैसा व्यू। सो यहाँ पे चढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला काम है, गोल गोल वाला सीढ़ी है, अब ऊपर तक आ चुके हैं, और जस्ट यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, एक नंबर का व्यू है ये, वर्थ इट है ये वाला सीनरी, वर्थ इट है। सो अभी चल रहा है भैया का फोटोशूट जो कि भाई क्लिक कर रहा है, और भैया क्लिक कर रहे थे तब मैंने एक थोड़ा सा मजाक कर दिया कि ये एक फ़ोटो ले ले भाई, जो एक फ़ोटो में शादी हो जाए, लड़की वाले देख के एकदम से पसंद कर ले। वैसे फ़ोटो का जो बैकग्राउंड आ रहा है, जो फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट बहुत ही सही आ रहा है,
तो बहुत ही सही लगा मेरे को इस जगह का फोटो, हर किसी का फोटो बहुत ही सही आ रहा था। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखाना, तुझे क्यों जानाना, शिकायतें करूं या नहीं, दिस इज़ द व्यू वन साइड, और ये एक साइड का रेलिंग है, और दूसरे साइड अगर जाते हैं तो दूसरे साइड का कुछ ऐसा आता है, यहाँ से अगर निकल के जाते हैं इसके साइड से ये रास्ता भी है, और ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा मस्त है, वो पॉइंट है ये वाला। सो ये है हिल व्यू, इसके लिए तो वर्थ इट है। चलो ये देख सकते हो नज़ारे, तो पार्क से आ चुके हैं, अभी चाय पीते हैं। मेरा ब्लॉग और चाय ना हो, ये हो सकता है कभी। इस कप के बारे में बताता हूँ, देखो लिखा हुआ है उड़ीसा द लैंड ऑफ गॉड, तो यहाँ पे देखो प्रमोशन कितना मस्त तरीके से कर रहे हैं, यू मी एंड अ कप ऑफ टी, देखा बहुत अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं, ये अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ ये देख सकते हो पेपर ट्री भी है, और जो कि ना ये पान पत्ता जैसे दिखता है इसका पत्ता, और ये है पेपर का जो ये फ्रूट जो फल छोटा छोटा फल होता है, और यही बड़ा होकर फिर इसको सुखाते हैं, उसके बाद ये बनता है पेपर। और सर ये है पेपर प्लांट, और जो कि ना आपके सामने बिल्कुल नए तरीके से दिखा रहा हूँ, और इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे दिखता है। ये है कॉफ़ी, और दिस साइड है ये बेल, वही इसका बिल्कुल शुरू में जब ये बेबी रहता है तो बेबी पेपर जो बोल सकते हो वो है ये, और इस पर लगेंगे पेपर, फिर इसको फिर ड्राई करके फिर बनाते हैं गोल मरीच जिसको बोलते हैं बंगाली में और इंग्लिश में पेपर बोलते हैं, और ये है कॉफ़ी। और इसको ये अगर तोड़ते ना, मुझे नहीं पता था, मैंने दो तीन तोड़ लिया था, और उसके बाद मेरे को सबने पीछे से मना किया कि मत तोड़ो मत तोड़ो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये तोड़ा जाता है तो इस पर 500 रुपये फ़ाइन है, तो मैंने तो गलती से तोड़ लिया, सॉरी मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चला कि ये तोड़ने पर 500 रुपये फ़ाइन है। सो ये है वो कॉफ़ी का पेड़, तो आप देख सकते हो इसमें आपको सब कुछ दिखा दिया है मैंने कॉफ़ी के बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। सो देखो ये है कॉफ़ी बीन, सो ये छोटे छोटे हैं अभी, और जब बड़े हो जाएंगे फिर इसको भी बोला कि मार्च या मार्च अप्रैल में इसको कटते और फिर इसको ड्राई करते। आज का आखिरी एंड सबसे इंटरेस्टिंग सा पार्ट वो है सनसेट पॉइंट, जो कि हिल व्यू पॉइंट दिखाया आपको, अभी आगे हम लोग सनसेट पॉइंट, तो यहाँ पे डैप करने की कोशिश चल रहा है, और यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर दादा है उनको हमने फ़ोन दे रखा था, बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना दो, सो डैप करने में सर हर कोई लगा हुआ है, तो एक पोज देके फिर आपसे मिलता हूँ।
थैंक यू सो मच। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस बटन को लाइक कर देना, और हो सके तो एकदम से सब्सक्राइब करके ही जाना है। वो लाल वाला बटन जो है वो दब जाना चाहिए, और ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उस टाइम पे 1000, 20, 30, 40 सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।